सर, अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, एक दूसरी जगह है जो कि मेरों से रिलेटेड ही है। और ये उनके जहाँ पे पालतू जो जानवर होते हैं, जो हिरन हो गए या दूसरे हो गए, तो वो भी हम देखने जा रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। हेलो, तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, जो मीरों की ये जगह है एक, जहाँ पे ये इनके जानवर हैं अपने, और ये उस जगह पे मैं पहुँच गया हूँ। और चलो आपको भी, ये अभी हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ से हम नज़ारा कर सकते हैं। और इस जगह को कहते हैं मेहरानो, और ये भाई जो है इनकी देखभाल करते हैं इधर। भाई एक बार आवाज़ तो लगाओ ये। और ये जो यहाँ पे काम कर रहे थे लोग, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे ये काफ़ी तादाद में हैं, तकरीबन 200 से 300। पर अभी ये गर्मी की वजह से कुछ ही इधर बाहर आए हैं। अगर ये कोई ठंड में यहाँ पे विज़िट करे तो ये काफ़ी मतलब इन पिग्स को देख सकता है यहाँ पे। और ये उनके बच्चे हैं, बड़े जो हैं वो बाहर नहीं आए। और ये जंगल जो है मीर अली मुराद ख़ान टालपुर ने खुद बनाया था, जो बड़े बड़े मीर थे, और उसी वजह से ये अभी उस रवायत को कंटिन्यू रखे आ रहे हैं। हाँ, तो सर अभी हम आपको ये ऊपर से नज़ारा करवा रहे हैं इस जंगल का, जहाँ पे अभी आपने जानवर देखे। ये हमारे ऊपर दोस्त खड़े हुए हैं, अभी वो भी दिखाते हैं आपको। तो ऊपर जाने के बाद आप नज़ारा करें इधर से। ये जंगल जो है तकरीबन 200 से 150 एकड़ में फैला हुआ है। ये सारी जो ज़मीनें हैं अमीरों की अपनी ही हैं, और उन्होंने ये अपना खुद का जंगल बनाया हुआ है इधर। तो ये व्यूज़ आप देखें, जो कि यहाँ से हम बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं और आपको भी ये मनाज़र दिखा रहे हैं यहाँ पे। और सर अभी हम आ गए हैं जहाँ पे मीर साहब के हरन हैं, आपको हरन भी दिखाते हैं। और इस जगह पर वीर साहब के जो हरन हैं वो खड़े हुए हैं यहाँ पे, वो हम देखने जा रहे हैं अभी। चलो तो साथ में चलते हैं और देखते हैं। ये है पहला हरन जो हमने भी देखा और आपको भी देखा। और जो हरन भी हैं यहाँ पे वो काफ़ी तादाद में हैं, तकरीबन 200 से 300। तो ये सामने हमारे खड़े हुए थे, बाकी जो थे वो सामने नहीं आए, क्योंकि वो गर्मी की वजह से कहीं पे छुप गए हैं। तो वो भी जब अगली बार हम आएंगे तो आपको दिखाएंगे यहाँ पे। और यहाँ ये जो है ये हरन है, इन्होंने इनको चारा डाला हुआ है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम लोग बिल्कुल थोड़ा दूर से जो है शूट कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा कम क्लियर नज़र आ रहा है, और ज़्यादा हम करीब नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये मे भी भाग जाए हमें देखकर। तो यहाँ दूर से ही हम आपको ये इनके दिखा रहे हैं व्यूज़। और ये भी बड़े जो मीर साहब थे, मीर अली मुराद ख़ान टालपुर, जो खैरपुर इस्टेट के बानी थे, तो ये भी उन्हीं का वो होता था अशोक, और उसी को ही इन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो ये जो अभी मीर है, मीर मेहदी रज़ा, ये अभी वही इनको देखते हैं, और उन्हीं की कस्टडी में है ये चीज़। यहाँ पे तकरीबन हर नस्ल का जो हरन है वो नज़र आ रहे हैं, ये आप भी देखिए। वो जो कोटदेची किला था, वहाँ तो पब्लिक प्लेस थी, हर कोई जा सकता है, पर ये जो मेहरानो है यहाँ पे, आपको पर्सनल जो है अगर आपकी अप्रोच हो तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। जो अमीरों से मतलब अगर आपका कोई पर्सनल फ्रेंडशिप है, या वहाँ यहाँ पे जो काम करते हैं उनसे, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे यहाँ जो है इजाज़त नहीं है किसी को आने की, तो आप जब आइए तो काइंडली किसी सोर्स लगवाइए, तो फिर यहाँ पे आपको जो है आने देंगे, नहीं तो ये इसे इजाज़त नहीं होती। और हम आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस भी हम आगे दिखा सकें।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और इस जगह का नाम आप फिर से जो है याद कर लें, इस जगह का नाम है मेहराणो, जो कि मेहराणो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के नाम से मशहूर है यहाँ खैरपुर में। खैरपुर में आप किसी से भी पूछेंगे तो वो लोग आपको यहाँ का जो है रास्ता दिखा सकते हैं।